तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आए अच्छे ही रहे। तो आज गई थी मैं मार्केट, तो ये मिस्टी अपने लिए खिलौने लेके आती हैं। ये जब भी जाती हैं बस इनको खिलौने चाहिए, तो ये खुलवा रही थी अपने पापा से, उनके पापा खोल रहे थे। तो ये देखिए निकाल रहे हैं पैकेट, इसमें क्या है बच्चों के खिलौने। ये ड्रायर मेकअप का सामान है इसमें, और 400 रुपये का है। सोचो क्या निकला, कुछ भी नहीं। इतना उनको, बच्चों को क्या पता है कि कितना महंगा क्या है। और इनके पापा लेके दे देते हैं, वो जो मांगते हैं दे देते हैं। बस ये होता है कि खुश रहे चलो। तो वही हो रहा है, इनके खोल रही हैं अपने पापा को, शीशा दिखा रही हैं। ये शीशा, ये सामान आया था। मेकअप वेकअप शुरू हो गया है देखो। बस अब ये थोड़े दिन तक ये इसमें रहेंगे, उसके बाद ये कहाँ पढ़ाया कोई पता नहीं। इनका बस यही काम होता है, अभी थोड़े दिन ही ये खिलौने से खेला जाएगा। और ये मैं कढ़ाई लेके आई थी जाली वाली, और ये कैची ले, वो चाकू लेके आए थे, कैची ले थे। चाकू मेरी थोड़ी सी वैसी हो गई थी, और ये छन्नी लाए थे। तो ये इतना सामान मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा सारा सामान, ये तो राशन तो लाना ही था, तो इसी के साथ साथ मैंने ये सामान भी ले लिया था। तो अभी राशन सब डिब्बों में रखा था, इसलिए कुछ भी खोला नहीं है, सिर्फ दाल वगैरह खोले थे। बाकी सब जो पैक है, जैसा ये पैक सारा है, सामान मैंने इस डिब्बे में रख दिया आगे किचन में सारा सामान। और जरूरत होगी तो मैं सोयाबीन की बड़ी बनाऊँ डिब्बों में डालूँगी इससे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज सोयाबीन की बड़ी बना रही थी, तो मैं वही ये सोयाबीन को मैंने गर्म पानी में मैंने सोयाबीन को फूलने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसलिए रख दिया है जल्दी हो जाएंगी। और तब तक मैं ये चटनी पीस रही हूँ, चटनी खाने का भी मेरा बहुत मन था, तो मैं चटनी पीस रही हूँ। टमाटर काट लिया, थोड़ा सा प्याज का टुकड़ा डाला था, धनिया और 2-3 हरी मिर्च बस, और दही 2 चम्मच दही डाला था। चटनी बहुत अच्छी बनी थी, मिस्टी ने तो पूरी चट कर ली, मिस्टी को तो बहुत अच्छी लगी। तो वही मैं बना रही हूँ। देखो मैं धनिया को देख रही हूँ, क्योंकि आजकल धनिया में ना बहुत कीड़े आते हैं ना, जितनी हरी सब्जी है ना तो कीड़े आते हैं, मुझे अगर मुझे दिख भी जाए तो मुझे बड़ी घिन आ जाती है। तो मैं एक एक करके उठाई, मैं 2-3 पानी से धुल के लाई हूँ, फिर भी मन नहीं मान रहा है। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि कहीं कुछ है तो नहीं, और जो पत्ती मतलब सड़ी हुई है वो निकाल दे रही हूँ, क्योंकि रखे रखे स्वाद अनुसार बेकार हो जाती है। ऐड करूँगी तो वही मैं कर रही हूँ। ये खाली हो गई थी हींग, इसमें थोड़ी सी थी, तो मैं जो दूसरी हींग की डिब्बी खोल रही हूँ उसको डालूँगी थोड़ी सी। थोड़ा सा दही ऐड कर रही हूँ, 1-2 चम्मच, जैसे कि मैंने बताया था, चम्मच 1-2 चम्मच डालूँगी दही। तो फ्रेंड मेरी चटनी बनके तैयार हो गई है। अब मैं बना रही हूँ सोयाबीन के लिए मसाला। तो मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, मैंने दही लिया है, 2-3 चम्मच में दही ऐड करूँगी, और ये छोटा सा चम्मच है, देख ही रहे होगे। तो मुझे अंदाज़ है, मुझे पता है कि मुझे कितना, क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा है
और मैं इसमें टमाटर भी ऐड करूँगी, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही दही लिया है। और अगर आपके पास घर का दही हो जो खट्टा ना हो तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और ये मेरा खट्टा था इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ये मैंने धनिया लिया है, पाउडर है धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी, ये है, थोड़ा सा पनीर मसाला डाल रही हूँ मैं स्वाद लाने तो के मैं लिए। अभी इन मसालों को मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा नमक डालूँगी इसमें, इसको अच्छे से नमक डालने के बाद इसको मिक्स करना है, पूरे सारे मसालों को एक साथ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं इसमें बड़ी डालूँगी, थोड़ा सा सरसों का ऑयल यूज किया है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इसलिए डाल रही हूँ ये थोड़ा सा चिकनाहट अच्छा सा हो जाए। अब मैं इसमें बड़ी मिलाऊँगी और बड़ी को मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी। तो मैंने बड़ी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको ढक के रखूँगी 10-15 मिनट के लिए, तब तक मैं दूसरी चीज़ की तैयारी कर लेती हूँ, मसाला भूनती हूँ टमाटर काट के, तब तक मैं इसको ढक के रख देती हूँ रेस्ट करने के लिए। तब मैं टमाटर और मिर्च काट लूँगी, प्याज तो मैंने चटनी में डाला है और मैं उस चटनी को थोड़ा सा यूज करूँगी, बाकी अलग से मैं प्याज नहीं डालूँगी। तो मैंने कढ़ाई रख दी है और मैं इसको तड़का लगाऊँगी। और के चाकू इतनी मतलब नई चाकू है तो मेरी तो उंगली कट गई, तो मैं लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छी बनती है, तो मैं इसमें बना रही हूँ। और तेल मैंने डाल दिया है, तो फ्रेंड मेरा तेल देखो गर्म हो गया है, एकदम धुआं छोड़ गया है और बहुत अच्छे से तेल गर्म हो गया है। मैं धीमी आंच में ही पकाती हूँ, मैं बहुत फुल नहीं खुला है, थोड़ी सी है धीमी आँच है, धीरे धीरे पकते तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। मैंने डाल दिया है जीरा, तेज पत्ता और ये गरम मसाले हैं, लौंग है, दालचीनी है, साबुत बड़ी वाली जो इलायची होती है वो है, उन सबको मैं भून लूँगी। उन सबको भूनने के बाद मैं डाल दूँगी टमाटर। अब टमाटर को ग्रेवी बना सकते हैं पर मैं ग्रेवी नहीं बना रही हूँ, और मैं इस तरीके से बनाऊँगी टमाटर की, खाली टमाटर की, एक ही टमाटर डाला है मैंने क्योंकि मैं दो ढाई लोग हैं, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी, मम्मी पापा है नहीं, मम्मी पापा तो चले गए हैं गाँव, इतने लोगों का बना रही हूँ और फिर भी बहुत टेस्टी बनी थी ये सब्जी। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाए। मैं एक बार चेक करके देख रही हूँ टमाटर पके कि नहीं पके, ये हल्के से पके हुए हैं, तो मैं अब इनको थोड़ा सा हल्दी धनिया डालूँगी, इसमें भी थोड़ी सी हल्दी धनिया ऐड करूँगी मैं। तो मैं अब इसमें थोड़ी सी चटनी हरी जो मैंने पीसी हुई थी 1-2 चम्मच वो ऐड करूँगी, और ये मेरी हरी हरी आपको ग्रेवी बनेगी, हरी हरी ग्रेवी बनेगी। मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है और इसी में थोड़ी सी धनिया ऐड कर दूँगी बस, और जो जिसमें मैंने पीसी थी उसमें जो पानी था उसको धुल के मैंने वो पानी ऐड कर दिया है। ये देखिए हरी हरी ग्रेवी बनी है,
लेकिन मैंने बहुत अच्छी बनी थी मेरी सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनी थी, सबको बहुत अच्छी लगी। ये मेरी मसाला पक चुके हैं। अब मैं इसमें जो मैंने मिक्स करके मसाले में बड़ी रखी थी उसको डालूँगी, इसमें उसको डाल दूँगी सारी बड़ी को इसी में। ये देखिए अभी से ही कितना प्यारा कलर लग रहा है, कितने कितना अच्छा लग, सोचो खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी, बहुत अच्छी बनी थी। तो आप भी एक बार बना के जरूर देखिए। तो इसमें बचा था, उसमें जो लगा हुआ था ना मसाला, सब पानी डाला है, पानी तो वो पानी मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा और पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से पकाऊंगी। भाई ये देखिए कितनी अच्छी लग रही, कितना प्यारा कलर आया है, खाने में भी उतनी स्वादिष्ट थे। आप खुद देखिए तो वो कितना प्यारा सा कलर आया है। तो सब्जी ऑलमोस्ट मेरी बन चुकी है, मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी। अब मैं इसको, गैस को मैंने बंद कर दिया है, मैं बाउल में निकाल रही हूँ खाने के लिए। चलते हैं खाने, और आप लोग भी आ जाइए और अपने घर में बनाइए, सबको बना के खिलाइए। तो मैंने सब्जी को निकाल लिया है, सारी सब्जी मैंने निकाल ली है। अब चलते हैं, खाने की तैयारी हो रही है, तो बैठती हूँ। और पति देव भी है आज साथ में। ये शाम का खाना है, रात का, और रात के बज रहे हैं 9:30 बज रहे होंगे, उस टाइम ये खाना खाया जा रहा है। जब मेरे हस्बैंड आए तब, आजकल मिस्टेक को पता नहीं क्या हो गया, वो कहते हैं पापा आ जाएंगे तभी खाऊंगी, नहीं तो पहले ही खा के सो जाते थे। आजकल वो रात में जब पापा आ जाते तभी खाते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिले। तो आज्ञा दीजिए, मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।